शामली में वित्तविहीन शिक्षकों ने विभिन्न मांगे पूरी न होने पर मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। शिक्षकों ने मांग पूरी न होने तक मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार जारी रखने की बात कही। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा शामली जनपद इकाई के द्वारा मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना दिया गया। शिक्षकों ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक वित्तविहीन शिक्षक ऐसे ही धरने पर बैठकर मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। सरकार अभी फूलपुर व गोरखपुर में वित्तविहीन शिक्षकों की ताकत देख चुकी है। वही हाल में कैराना लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, जिस पर भी सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शिक्षक भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए शिक्षकों को पूरी मेहनत करनी पड़े। शिक्षक अपनी मांगों के लिए जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे। यदि जल्द ही सरकार की ओर से कोई उचित सूचना नहीं मिलती तो मूल्यांकन केंद्र पर तालाबंदी की जाएगी। देखिए, हम 28-30 वर्षों से वित्तविहीन शिक्षक हैं। 1986 से व्यवस्था चली आ रही है। हम लोग उन विद्यालयों के शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमें वेतन के नाम पर 2000 से 3000 रुपये तक मिलते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, हमने धरना प्रदर्शन किया था। 4 वर्षों के अथक प्रयत्नों के बाद अखिलेश सरकार ने हमें मानदेय दिया था, और इस सरकार ने, योगी सरकार ने आते ही वो मानदेय हमारा बंद कर दिया। मात्र 200 करोड़ रुपए की बात थी, 200 करोड़ उन्होंने दिया था, हमने ज़्यादा भी नहीं मांगा था। 200 करोड़ यदि ये सरकार भी जारी रखती तो कम से कम हमारे रोटी का प्रबंध हो रहा था। हम लोग रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, हमारे बच्चे दर दर की भीख छानते फिर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि कम से कम 300 रुपया एक मजदूर लेता है, हमारी ज़िंदगी उनसे भी गई गुजरी है। तो इस सरकार से हमने मांग की थी, हमने परीक्षा का बहिष्कार भी किया, हम मूल्यांकन का बहिष्कार भी कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हमें जेल भी जाना पड़ेगा। कल हम धरना प्रदर्शन के साथ साथ तालाबंदी भी करेंगे। मैं अपने सभी दूसरे संगठन के नेताओं से भी एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें। उन लोगों को अच्छा वेतन मिल रहा है जो एडिड के लोग हैं, क्योंकि कल उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी जब 2019 में हमारे यहाँ चुनाव होगा। कितने लोग हैं अब जैसे जो इस जिले में, पूरे स्टेट में? पूरे स्टेट में 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षक हैं, और 3.5 लाख परिवार भुखमरी के कगार पे हैं अभी तक। तो कल भी हम लोग बैठेंगे जब तक सरकार नहीं मानती। अभी आपने देखा होगा, अभी फूलपुर और गोरखपुर में हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया उनको हराने का, और हरा दिया। अभी यहाँ शामली में भी चुनाव होना है कैराना सीट पर, हम यहाँ भी विरोध करेंगे यदि ये सरकार नहीं मानती। हम सब ने भाजपा की सदस्यता भी छोड़ी थी, पिछले दिनों आप लोग ही आए थे, आपको बताया था, हम सब ने भाजपा की सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। और जब तक ये सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, हम इस सरकार को कोई सहयोग नहीं। भाजपा सरकार तो पड़ेगा जी, लेकिन उसकी व्यवस्था करेंगे हम। अच्छा सर, उन लोगों ने ये भी कहा कि अगर मांग पूरी ना हुई तो हम कॉलेज का जैसे केंद्र बना हुआ है काफी जांचने का, तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी तो वैलिड नहीं है उनके लिए, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो सरकारी कामकाज है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी जी, तो तालाबंदी तो हो ही नहीं सकती। तो क्या टारगेट रखा सर, कापियां जैसे आज से शुरू होगी? हाँ। कापी जांचनी आज से शुरू? हाँ, आज से शुरू। अच्छा, कब तक का पूरी करनी है ये? हमें जो है 15 दिन के अंदर पूरी करनी है आज से। अच्छा, आज 17 तारीख है, और मेरे ख्याल से आप ये समझो कि 2 तारीख तक की। कितने लाख कॉपी होगी आपके पास? ये हमारे पास 1,90,000 के करीब। अच्छा, जिस तरीके से कॉपियाँ जांची जा रही है, सीसीटीवी कैमरे भी फोकस होंगे पूरे सभी कमरों में? अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कॉपियाँ जांची जाती हैं टीचर्स के, कोई रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी है? जैसे आपके पास कुछ टीचर्स बाहर धरना देने पे बैठ गए हैं, धरना रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कुछ? बढ़ेगी तो करेंगे हम पूर्ति। ठीक, व्यवस्था करेंगे अपने जो हमारे कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज। ठीक है।